भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला जारी है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में एक बार फिर से बारिश ने दस्तक दी और मुकाबले में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल गया। दरअसल में इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता। टॉस जीतने के साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को कहा कि आइए पहले बल्लेबाजी कीजिए। जब तक टीम इंडिया का विकेट गिर रहे थे तब तक लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने अच्छा फैसला किया, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने चौके छक्कों की बरसात की तब लगा कि भैया ये फैसला तो गलत हो गया, क्योंकि 19.3 ओवर यानी कि जब तक बरसात नहीं आई थी भारतीय टीम का स्कोर 180 था। आखिरी तीन गेंदें बची थी, शायद उस समय रिंकू सिंह जो कि 68 रनों पर नाबाद रहे वो पारी को और आगे खींच सकते थे, शायद भारत का स्कोर 190 हो सकता था। लेकिन टीम इंडिया को बारिश ने यहां थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन बारिश की वजह से ही अब इस मुकाबले में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और वो चेंज क्या रहा, दरअसल में जब बारिश पड़ी तो वो कुछ देर के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए पड़ गई, जिसकी वजह से मजबूरन ओवर में कटौती करनी पड़ गई। अब ओवर में कटौती कुछ इस तरह से हुई कि दक्षिण अफ्रीका को 15 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य मिल गया। अब ये क्यों हुआ, दरअसल में हर मुकाबले में एक रिजर्व टाइम होता है, बारिश या फिर किसी भी समस्या को लेकर जब वो रिजर्व टाइम भी खत्म हो जाता है तब उसके बाद ओवर की कटौती होने लगती है। ओवर्स की कटौती होने लगी जिसकी वजह से DLS मेथड का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 15 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य मिला। दक्षिण अफ्रीका इस लक्ष्य को चेस कर पाएगी या नहीं ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए वन इंडिया के साथ।